अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। भारत द्वारा यह स्वीकार करना कि इसने इस बात को निश्चित बना दिया है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पर रहे, इसकी क्षेत्र में दोहरी नीति स्पष्ट होकर सामने आ गई है। भारत द्वारा FATF के राजनीतिकरण की स्वीकृति ने एक बार फिर क्षेत्र में नई दिल्ली के नकारात्मक पक्ष की पाकिस्तान की विचारधारा की पुष्टि कर दी है। भारत देर से पाकिस्तान के विरुद्ध अपने निम्न राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सार्वभौमिक मंचों का प्रयोग करता रहा है। भारत द्वारा स्वीकृति। नई दिल्ली अपने जघन्य राजनीतिक लक्ष्यों के लिए FATF जैसे सार्वभौमिक मंचों की विश्वसनीयता को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहा है। नई दिल्ली संबद्ध भर्सनीय उद्घाटन। FATF को भारतीय विदेश मंत्री के वक्तव्य का कड़ा नोटिस लेना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की स्वीकृति ने FATF की विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर प्रश्न उठा दिए हैं। FATF के राजनीतिकरण की भारत द्वारा स्वीकृति ने सार्वभौमिक समुदाय को चौंका दिया है। पाकिस्तान ने FATF के भारत द्वारा राजनीतिकरण के विरुद्ध मोदी के नेतृत्व की भारतीय सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की मांग की है। विश्व समुदाय को भारत को बहुत स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के विरुद्ध अपने जघन्य एजेंडा को बंद करने के लिए कहना चाहिए। भारत पाकिस्तान को क्षति पहुंचाने के लिए अपने षड्यंत्रों में कभी सफल नहीं होगा।